रिलेशन और आज हम देखने वाले हैं ह्यूमिनिटेरियन इंटरवेंशन के बारे में सो so, ये है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूनाइटेड नेशन द्वारा किए जाते हैं सो ह्यूमनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है इसके बारे में आज देखते हैं सो लेट स्टार्ट So, humanitarian intervention has been defined as a state's using military force against another state with the started, started goal of ending human rights violation in the state. If human rights violate, the United Nations, or the uh, United Nations organization, military. फोर्सेस भेजती है दूसरे उस देश में जहां पर ह्यूमन राइट्स वायोलेट होते हैं और ह्यूमनिटेरियन इंटरवेंशन के खातिर वो लोग मिलिटरी भेजकर वहां पर ह्यूमन राइट्स अगर वायोलेटेड हो रहे हैं तो उन वायोलेशन का प्रोटेक्शन करते हैं ओके

उस देश में खुश कर मिलिट्री फोर्स के द्वारा उस देश में जो लोग सफर कर रहे हैं उनको उस से मुक्त करना और ह्यूमन को प्रोटेक्शन देना ह्यूमेटेरियन के खातिर मानवाधिकार के खातिर अगर कोई मिलिट्री फोर्स आकर दूसरे देश का उस देश के नागरिकों को प्रोटेक्शन दे दस इज कॉल्ड ह्यूमेनिटेरियन इंटरवेंशन ओके ये एक ब्रिग ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जहां पर uh, दूसरे देश के मिलिटरी uh, दूसरे देश का जो पॉपुलेशन जो लोग पीछे है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आते हैं तो उसे कहते हैं

या एक ऑर्गेनाइजेशन या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मेकर मिलकर एक इंटरवेंशन की कोशिश करते हैं किस लिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए ओके नेक्स्ट देखते हैं सो ह्यूमिटेरियन इंटरवेंशन सम ऑफ इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट है थ्रेट एंड यूज ऑफ मिलिटरी फोर्सेज एज ए सेंट्रल फीचर सो ह्यूमिनिटेरियन इंटरवेंशन में आ, क्या होता है वो थ्रेट करते हैं एंड मिलिटरी फोर्सेज यूज करते हैं ओके okay? वहां पर वो थ्रेट डराने की कोशिश करते हैं एंड मिलिटरी फोर्सेज की यूज कर कर ह्यूमनिटेरियन इंटरवेंशन करते हैं It is an intervention in the sense that it entails in suffering interfering in the internal affairs of a state by sending military forces into the territory of or airspace of a sovereign state that has not been committed an act of aggression against any other state. Okay. यहाँ पर जो स्टेट या जो ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है वो जो देश में जा रहा है ह्यूमिटरी इंटरवेंशन खाते वहां पर कोई एग्रेशन कॉमिट नहीं करता है ओके okay? सो so, ये इंटरवेंशन इंटरवेंशन एक सा है यहाँ पर इंटरफेरेंस होती है एक देश के एक देश दूसरे देश का जो इंटरनल अफेयर्स है उस पर इंटरफेयरेंस जरूर करता है मिलिट्री फोर्सेस भेजता है उसके टेरिटरी में या उसके एयर स्पेस में उसके सोफरिन एरिया में और वहां पर एक एग्रेशन करता है दूसरे देश के खिलाफ ओके अगर सोचिए कि जैसे कि अफगानिस्तान में ओके आ, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है या टेररिस्ट कोई कुछ हो रहा है तो सब देश मिलकर अगर ह्यूमिनिटेन इंटरवेंशन वहां पर जाकर यूनाइटेड नेशन एक पीस कीफिंग फोर्सेस को या ह्यूमनिटरी इंटरवेंशन के खातिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भेज सकते हैं मिलिट्री को भेज सकते हैं कि वहां पर शांति प्रतिष्ठा करने के लिए ओके द इंटरवेंशन इन द रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन दैट डू नॉट नेसेसरी पॉज डायरेक्ट थ्रेट्स टू द स्टेट्स यहाँ पर डायरेक्ट थ्रेट नहीं भी हो सकते हैं ओके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकते हैं बट इन इज मोटिवेटेड बाय ह्यूमेटेरियर ऑब्जेक्टिव लेकिन ये मानव को प्रोटेक्शन करने के लिए लोगों को सफरिंग से रोकने के लिए लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए टोटल ह्यूमिनिटरी इंटरवेंशन होगी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि थ्रेट हो रहा है स्टेट के लिए डायरेक्ट ऐसा भी नहीं हो सकता लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है लेकिन हमेशा ये मोटिवेटेड होना चाहिए ह्यूमेटेरियन ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के ओके मेन मोटो ह्यूमिटरी इंटरवेंशन ही होगा ओके द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमेटेरियन इंटरवेंशन डेट्स बैक टू द ग्रोटियस

वर्ल्ड so, intervention, intervention, okay, okay, वाइड हुए हैं ओके okay, लेकिन जो इराक एंड लेविय में जो इस्लामिक स्टेट के द्वारा बहुत जड़े हो रहे हैं सो मिलिटरी इंटरवेंशन यहाँ पर की गई है इंटरवेंशन के दौरान टू थाउजेंड फोर्टीन से टिल नाउ ये चल रहे हैं okay? नेक्स्ट है एंड इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड ये क्यों जस्टिफाइड है इसे हम क्यों जस्टिफाइड कह सकते क्यों एक एक देश के में आप जा रहे हैं ओके बिकॉज द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अ मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट कॉमन ह्यूमिनिटी सो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ओके okay, इसका एक मोरल ड्यूटी है इसका मोरल ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट कॉमन ह्यूनिटी ये जो ह्यूमिनिटी है इसको प्रोटेक्ट करना इसे मेंटेन करना, एंड बिकॉज देयर इज लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कोडिफाइड इन द इंटरनेशनल लॉ फॉर स्टेट टू इंटरवेंट अगेंस्ट लार्ज स्टेट ह्यूमन राइट एब्यूज ऑब्लिगेशन शुड बी मेड इन ऑल केसेस ऑफ जेनोसाइड ओके सो ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन जस्टिफाइड है क्यों जस्टिफाइड है द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इंटरनेशनल uh, कम्युनिटी है जो अंतरराष्ट्रीय समाज है उसका एक नैतिक कर्तव्य है कि ह्यूमिनिटी को प्रोटेक्ट करे ह्यूमिनिटी को मेंटेन करे वर्ल्ड वाइड विश्व भर में जो मानवाधिकार है मानव राइट है ह्यूमन राइट है ह्यूमन डिग्निटी है उनको प्रोटेक्ट करने का काम है इंटरनेशनल सोसाइटी का

नेक्स्ट देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिनिटी न्यूट्रलिटी इंपर्सिलिटी एंड इंडिपेंडेंस आर द फंडामेंटल टू द ह्यूमेनिटेरियन एक्शन जब आप ह्यूमेनिटेरियन इंटरवेंशन करेंगे ओके okay, तब आपको ह्यूमिनिटी मानवाधिकार न्यूट्रिटी आप कोई भी पक्ष नहीं ले सकते इम्पर्शल होना होगा आपको आपको इंडिपेंडेंट होना होगा सो so इन सारे मुद्दे को इन सारे प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए आप ह्यूमिनिटी इंटरवेंशन कर सकते okay? हैं ओके दैट सफरिंग मस्ट बी इट इज फाउंड विद पर्टिकुलर अटेंशन टू द मोस्ट वर्नरेबल जो लोग सबसे पीछे है वो अगर ह्यूमन राइट वहां पर ह्यूमन राइट वायलेट होते हैं ह्यूमन को वही सुविधाएं नहीं मिलती है ह्यूमन सफर कर रहे हैं तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमिटेरियन इंटरवेंशन की जाती है वर्ल्ड वाइड सो ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होता है लेकिन ये इस, इसमें आप मेरे एक देश के इंटरनेशनल अफेयर्स में जरूर हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन आपका जो मेन मोटो होगा वो होगा कि आपको टोटल जो Uh, देश का जो मेन uh, जो मोटा होगा आपको ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखते हुए ह्यूमनिटी को कंसर्न में रखते हुए टोटल चीज आप कंडक्ट करेंगे सो आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड द्यूमिनिटी इन इंटरवेंशन कॉन्सेप्ट थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन